आओ सुना है ज्ञान की एक कहानी। तो शो के बाद क्या होता है कि हम लोग अपना ब्लड वर्क करते हैं, तो ब्लड वर्क में लीवर एंजाइम, लिपिड प्रोफाइल, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसको बोलते हैं, तो सब कुछ मैंने किया, सब कुछ सही था। बट उसके बाद भी ना, जैसे मुझे कुछ फूड से कुछ एलर्जी है, फूड से कुछ प्रॉब्लम था, तो खाने के बाद थोड़ा कभी वोमिट तो कभी कुछ तो कभी कुछ, वैसा वैसा लगा रहता था। तो अभी इधर रिलायंस के हॉस्पिटल में आया हूँ, गैस्ट्रोलॉजिस्ट है मेरे, 3 साल से उनके अंडर में हूँ मैं, तो वही मेरा देख रेख करते हैं। शो के बाद उन्हीं के पास मैं आ जाता हूँ। आपके पास जितने भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है ना, उनके पास कोई ना कोई एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए अगर आपको लंबा खेलना है, जैसे मुझे लंबा प्रो शो खेलना है। तो अभी मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, सारा रिपोर्ट वोट निकाला, सब कुछ क्लीन था, बट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था फूड का क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने एंडोस्कोपी किया है। एंडोस्कोपी में क्या होता है, पहले आपको एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया जब आप लेते हैं तो लुंड हो जाते हैं, एकदम बेहोश। तो अभी एकदम बेहोश था, तो फिर मेरे मुंह में पाइप डाला उन्होंने, पाइप में कैमरे लगे थे और वो कैमरे से फिर अंदर का अलंजर पलंजर देख रहे थे, तो एवरीथिंग वाज फाइन। अभी होगा फिब्रो स्कैन। लेकिन ये एंडोस्कोपी वाला कितनी बार वीडियो बनाओगे, पहले कई बता, 4 बार बना चुके। अरे एक इंस्टा के लिए बना है, चौथा वीडियो एंडोस्कोपी एक्सप्लेन करते, मेरा वीडियो लंबा मत करो। तो एक इंस्टा के लिए बनाते, एक यूट्यूब के लिए, फॉर अवेयरनेस। अभी देखो लोग क्या होता है कि छोटा सा बॉटल लेके बॉडी बिल्डिंग कर लेते हैं, बट बॉडी बिल्डिंग वो नहीं है, मेरा काम है अवेयरनेस फैलाना, तो ताकि लोग जो होता है जितना उस पर खर्चा करते हैं उतना अपने ब्लड वर्क पे, उतना अपने ऑर्गन का ख्याल रखने के लिए, टेक केयर करने के लिए करें, ताकि लंबे समय तक सस्टेन करें, अर्नोल्ड के जैसा, सिल्विस्टर के जैसा लंबा चले, ताकि कोई ये ना बोले कि यार जिम आके लोग मर गए। नहीं, जिम आके लोग नहीं मरते, जब ध्यान नहीं देते हैं, अपना टेक केयर नहीं करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें बॉडी बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो हेल्दी नहीं होती है। लीवर टॉक्सिस होती है, कार्डियो टॉक्सिस होती है, न्यूरोटॉक्सिस होती है, बीवी से लोग झगड़ा कर लेते हैं, घर में झगड़ा कर लेते हैं, क्योंकि दिमाग ख़राब हो जाता है। तो जब आपका कंपटीशन ख़त्म होता है तो अपना ब्लड वर्क करते हो, आइडेंटिफाई नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है, तो ये सब चीज़ें आपको करानी पड़ती हैं। आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर डॉक्टर देखता है, आपको बता देता है कि भैया ये फूड खाना है, ये फूड नहीं खाना है। अभी मुझे लगता है ना कि मुझे पहले तो नहीं था, बट अभी हो गया है लैक्टोज से प्रॉब्लम, तो दूध वाले जो भी आइटम मैं खा रहा हूँ तो उससे मुझे गैस या एसिडिटी, ऐसी वैसी चीज़ें हो रही हैं। तो अब सारा रिपोर्ट वगैरह देख लेंगे डॉक्टर, तो बताएंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो जब वो सब चीज़ें हो जाएगी तो फिर मस्त अच्छे से प्रो शो की तैयारी करूँगा। ये सब मेरा मेकअप देख के डरना मत, ये जो होता है तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए होता है, ये ऑक्सीजन जा रहा है उसके लिए है, और ब्लड प्रेशर वगैरह चेक हो गया। स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, कल अभी ट्रेनिंग करते हुए मिलूँगा, और ये चेकअप करा रहा हूँ ताकि मुझे पता चले, और लंबा खेलो, 100 साल जीना है, बॉडी बिल्डिंग एक हेल्दी गेम है, उसको बताना है प्रॉपर तरीके से करो। तो बाकी जो रिपोर्ट वगैरह आता है मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू।